हाय गाइस, हाउ आर यू। सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। और चैप्टर 2 का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 1 था वो प्लांट्स से रिलेटेड था, प्लांट्स वाला हम लोग ने अपलोड कर दिया है पूरा का पूरा चैप्टर। आप लोग ऊपर आई बटन दिख रही होगी, वहां से क्लिक करके आप पूरा फर्स्ट चैप्टर विद एक्सरसाइज के साथ पूरे एमसीक्यू सॉल्व किए, ठीक है। वहां पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और गाइज बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा व्यूज तो आ जाते हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। रेड बटन में आप लोग को नीचे सब्सक्राइब की बटन दी होगी और फिर उसके बाद बेल आइकॉन आ जाएगी अपने आप, तो आप उसे वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये पूरा नोट्स के साथ मैंने वीडियोस क्रिएट किया है, ठीक है। और जस्ट लाइक करने से कुछ नहीं जाता है आपका, ठीक है। अगर आप लोग को इस वीडियोस का नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज एंड प्लीज मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोग को नोट्स इसकी जरूर मिल जाएगी। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड की तरफ, ठीक है। सो इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे कि मतलब जो भी टेस्टिस था, फिर वहां से जो भी स्पर्म क्रिएशन था, वो सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी। बट हम लोगों ने सिर्फ टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ना कि स्पर्म कैसे क्रिएट होता है, वो भी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले की पार्ट नहीं देखी है तो प्लीज एंड प्लीज पहले वो पार्ट जरूर देखिए, तभी यहाँ पे इस पार्ट को देखिए, वरना शायद आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। सो चलो सबसे पहले गाइज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये है, ठीक है। ये डायग्राम है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये जो डायग्राम है, इस चीज को आपको एक एक नाम याद करने, क्योंकि अब आप आ चुके हो 12th में और आपको ये सारे के सारे नाम याद होने चाहिए विद लाइन से। ऐसे किधर से भी रैंडमली याद मत करो, कहां से स्टार्ट करना याद करना और कहां पे एंड करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद करना ये टेस्टिस है, ठीक है। सो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं। फिर उसके बाद आपको याद करना ये स्क्रॉटम, मैंने बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कि स्क्रॉटम क्या होता है। स्क्रॉटम जस्ट आउटर लेयर होती है जहां पे टेस्टिस लाई करता है। ये सपोज स्क्रॉटम है, यहां पे होंगी टेस्टिस, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस, जो कि टेस्टिस की ऊपर वाली लेयर है, एपिडिडाइमिस इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इस चीज को हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। हम ज्यादातर यूरेथ्रा वर्ड यूज करेंगे पूरे अपने इस वीडियो में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट को। फिर उसके बाद आता है काउपर्स ग्लैंड, वो बाद की बात है। फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी बाद में। सबसे पहले वैस डिफरेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, जो एपिडिडाइमिस है और ये जो वैस डिफरेंस है, ये यहाँ पे वैस डिफरेंस है। वैस डिफरेंस देखो, ये पूरी पाइप है, लाइन से आपको पढ़ना है, टेस्टिस फिर एपिडिडाइमिस फिर ये आता है वैस डिफरेंस, जो पूरी यहाँ पे डक्ट दिख रही है, डक्ट यानी कि पाइप जैसा, ये वैस डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे अटैच है सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड होता है, ठीक है। फिर सेमिनल वेसिकल के बाद देखो यहाँ पे हार्ट लाइक शेप में दिया हुआ है, मतलब पीछे साइड है, पोस्टीरियर साइड है इस पूरे जो मतलब अपना यूरिनरी ब्लैडर है, इसके पोस्टीरियर साइड में है, मतलब पीछे साइड में, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम और नीचे चल के आएंगे, ये सेमिनल वेसिकल्स भी पेयर होता है, दो होते हैं, एक इस साइड राइट और लेफ्ट दोनों में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लोब टाइप के दो डक्ट दिखेंगे जिनका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, और फिर ये यहाँ पे यूरेथ्रा और लास्ट में एट द एंड पेनिस, ठीक है। सो इस चीज को आपको एकदम लाइन से याद करना है, सारे नेम अगर आपको याद रहेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। सबका एकदम हम लोग को फंक्शन पढ़ना है, कौन सा क्या करता है और स्पर्म रिलीज कैसे होता है, ठीक है, कब कौन सी कंडीशन में और किस तरह लाइन वाइज रिलीज इसका हम पढ़ेंगे, मतलब कहां से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है और कहां पे इसकी जर्नी एंड होगी, ये हम पूरा अच्छे से देखेंगे आज, ठीक है। सो बहुत मजा आएगा इस वीडियो देखने में, बस आप लोग पूरा का पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। टेस्टिस से मतलब यहां पे जो स्पर्म है ये कहां पे बनता है और फिर कहां से रिलीज होकर सबसे पहले कहां जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि ये टेस्टिस है और सबसे पहले एपिडिडाइमिस के पास आएगा, फिर आएगा अपना वैस डिफरेंस के पास, ऐसे ट्रेवल करके फिर सेमिनल वेसिकल से मिलेगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलेगा, फिर कॉपर्स ग्लैंड से मिलेगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू यहां से रिलीज होगा, समझ गया। कुछ ऐसा ही इसका जर्नी होगी, दोनों साइड से सेम होता है, इस साइड से भी इस साइड से सेम चीजें होंगी, पेयर दोनों तरफ से होता है। बस ये कैसे होता है, क्या क्या यहाँ पे आके मिलके क्या करेगा, हर ग्लैंड का फंक्शन क्या है, क्या करते हैं सारे ग्लैंड, वेस्ट डिफरेंस से कैसे ट्रेवल करेगा, एपिडिडाइमिस के पास आके स्पर्म का क्या होगा, जब टेस्टिस रिलीज होगा तो एपिडिडाइमिस के पास आता है तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे लाइन वाइज अच्छे से। प्रॉपर नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। सो चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स,
यहाँ पे इसके पहले हमने सारा का सारा जो टेस्टिस था उसका फंक्शन टीएस यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर था ट्रांसेक्शनल कट वो सारी चीजें देख ली थी। अब हम देखेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में कि एक्सेसरी डक्ट आखिर होता क्या है इसके बारे में समझेंगे प्रॉपरली। ठीक है, सो जो एक्सेसरी डक्ट होता है इसके अंदर रीटे टेस्टिस आता है। रीटे टेस्टिस ये क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रीटे टेस्टिस। फिर उसके बाद आता है वैस डिफरेंसिया। देखो यहाँ पे वैस इफेरेंसिया और वैस डिफरेंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। जो वैसा इफरेंसिया होता है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है। आप बोलोगे ये क्या चीज आ गई नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि ये आखिर होता क्या है। ठीक है, अभी आपको समझेगा। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो अपने पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, जो अपने पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे उनका एक ये नेटवर्क होता है, उनसे बहुत ज्यादा नेटवर्क क्रिएट होता है ये वैस इफरेंसिया से। ठीक है, नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस। अभी मैंने दिखाया कहां होता है, देख लो यहां पे ये है अपना एपिडिडाइमिस, यहां पे आप देख सकते हो एपिडिडाइमिस जस्ट ये टेस्टिस के ऊपर होता है, जो ऊपर की लेयर है रफ लेयर ये होती है एपिडिडाइमिस की। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वैस डिफरेंस जो कि एक ये पाइप है, जस्ट यहां पे आप देख सकते हो एक जो ये डक्ट है, डक्ट या पाइप एक ही बात होती है, इसको वैस डिफरेंस बोलते हैं। फिर आता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट देखो यहाँ पे है, देख लो जहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स अटैच है ये पूरा फिर इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, और ये है यूरेथ्रा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, लास्ट में आता है यूरेथ्रा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये सारी की सारी चीजें आती है एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलो अभी हम लोग सबसे पहला डिस्कस करेंगे रीटे टेस्टिस क्या होता है। तो जो रीटे टेस्टिस होता है ये एक नेटवर्क है ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इसका ये एक टाइप का नेटवर्क होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक नेटवर्क है किसका, नॉर्मली जो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंबाइन होके या फिर जम्बल होके एक रीटे टेस्टिस बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये मोस्टली जो पोस्टीरियर सरफेस होती है टेस्टिस की वहां पे क्रिएट होता है। इस चीज को मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, आपको अभी समझ जाएगा। देखो यहां पे बहुत सारे, देखो ये आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये देखो जंबल करके पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, इसको हम बोलते हैं रीटे टेस्टिस। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, इसका नाम है रीटे टेस्टिस। जो कि यहां पे देखो अब ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सारे के सारे जो पिरामिड शेप में है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और इन सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक क्या बनता है, अपना अच्छा खासा पूरा नेटवर्क क्रिएट होता है और इस नेटवर्क का नाम है रीटे टेस्टिस। समझ चुका होगा आपको अभी अच्छे से। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये होता क्या है कि जो ये रीटे टेस्टिस है ना, इस रीटे टेस्टिस से 10 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स बनते हैं। मतलब बहुत ज्यादा एकदम फाइन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं रीटे टेस्टिस से। यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स क्रिएट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वैस इफेरेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वैस इफेरेंसिया। इस चीज को आपको याद रखना है, यानी कि वैस इफेरेंसिया क्या होता है कि जो रीटे टेस्टिस से इन्वॉल्वड या फिर अराइज्ड, इन्वॉल्व्ड या फिर अराइज्ड 10 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स बनते हैं। ठीक है, उन ट्यूब्यूल्स को हम रीटे टेस्टिस के जो भी इनसे बनते हैं उनको हम वैस इफरेंशिया बोलते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे देखो या गैप देख सकते हो, ये जो गैप है छोटा छोटा यही गैप क्या है, वैस इफरेंशिया है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, यानी कि सबसे पहला हम लोग समझा कि जो वैस डिफरें वैस जो यहाँ पे रीटे टेस्टिस है, ये रीटे टेस्टिस किससे बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बहुत सारे नेटवर्क बनाने से। और जब रीटे टेस्टिस से एक बार बन गया तो रीटे टेस्टिस से क्या बना, वैस इफरेंसिया बना। क्या बना, वैस इफरेंसिया, जो कि खुद एक 10 से 20 ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कहां से बनता है, एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है कि जो वैस इफरेंसिया होता है ये कहां से बनता है, तो बता देना कि रीटे टेस्टिस से बनता है जो कि बहुत सारे ये फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं, 10 से 20 इनका नंबर्स होता है, इतने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, यानी कि जो स्पर्म क्रिएट होता है ये टेस्टिस से रीटे टेस्टिस, और रीटे टेस्टिस से उसके बाद ये वैस इफरेंसिया में भर जाता है, फिल हो जाता है, और वैस इफरेंसिया से ये आता है एपिडिडाइमिस में। ये बाहर की लेयर है एपिडिडाइमिस, इसको मैं अच्छे से दिखा दूं, यहां पे आप देख लो ये है एपिडिडाइमिस, यानी कि रीटे टेस्टिस के बाद वैस इफरेंसिया, और वैस इफरेंसिया से होके ये आता है यहां पे एपिडिडाइमिस के पास, फिर जाएगा वैस डिफरेंस के पास। समझ गया, ये बात आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सो नाउ जो स्पर्म होता है, यानी कि जो अपना स्पर्म है ये टेस्टिस से निकल के एपिडिडाइमिस के पास आ जाता है, मतलब एपिडिडाइमिस के पास, यानी कि आपको एक प्रॉपर जर्नी समझ में आ गई होगी। जैसे कि देखो सबसे पहले जो टेस्ट अपना स्पर्म होता है, स्पर्म कहां बन रहा था, स्पर्म अपना बना टेस्टिस में, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया वेजिनालिस टेनुका वेस्कुलोसा सारी की सारी हमने लेयर पढ़ी थी। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वहां पे सर्टोली सेल था, सर्टोली सेल्स के अंदर हमने बहुत सारे जो जितने चीजें थी उनके अंदर वहां पे स्पर्म्स क्रिएट हो रहा था। ठीक है,
तो स्पर्म क्रिएट होने के बाद अब स्पर्म निकलेगा कैसे, तो वो स्पर्म निकल के सबसे पहले जाएगा रीटे टेस्टिस के पास, ठीक है। रीटे टेस्टिस के पास स्पर्म जाने के बाद फिर स्पर्म जाएगा वैस इफरेंस के पास, किसके पास जाएगा, वैस इफरेंस के पास। वैस इफरेंस के बाद अपना स्पर्म जाएगा एपिडिडाइमिस के पास। आप बोलोगे ये सब इनके पास जा क्यों रहा है स्पर्म, तो सबसे पहले भाई रीटे टेस्टिस तो ये निकलने का तरीका है, और वैस इफरेंस क्या करता है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस और रीटे टेस्टिस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कौन, वैस इफरेंस, या ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं वैस इफरेंस, अभी हमने देखा ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये रीटे टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब स्पर्म अपना रीटे टेस्टिस से ट्रेवल करके एपिडिडाइमिस के पास आ जाएगा, यानी कि यहां से जाके ये एपिडाइमिस जो यहां पे ये चीज है इसके पास अभी अपना स्पर्म आएगा। सो करेगा क्या यहां पे आके, ये हम लोग को अच्छे से समझना है। सो नाउ अभी हम लोग सबसे पहले एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ लेते हैं। एपिडिडाइमिस मोस्टली 3 लेयर से बनता है, और ये लॉन्ग होता है और हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है, बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड होता है, एक दूसरे में क्वाइल्ड होते हैं, मतलब समझ सकते हो आप, जैसे समझ लो वायर है और वायर एक दूसरे में क्वाइल्ड होती है, वैसे ये लॉन्ग होते हैं और हाईली क्वाइल्ड होते हैं। दूसरी बात, जो ये मतलब एपिडिडाइमिस है, इनके पास 3 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, सबसे पहला अपर लेयर, फिर मिडल लेयर, फिर लोअर लेयर। लेकिन ये जो लेयर्स है, तो अपर लेयर को हम कैपुट बोलते हैं, याद रखना है अच्छे से, अपर लेयर को एपिडिडाइमिस के अपर लेयर को कैपुट, मिडल लेयर को कॉर्पस और लोअर लेयर को क्वाडा, याद रखना अच्छे से आप, ठीक है। चलो, तो यानी कि अपर कैपुट एपिडिडाइमिस, फिर मिडल कॉर्पस एपिडिडाइमिस, फिर लोअर क्वाडा एपिडिडाइमिस, ये होती है लेयर्स किसकी, एपिडिडाइमिस की। तो एपिडिडाइमिस डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर कैपुट एपिडिडाइमिस, मिडल कॉर्पस एपिडिडाइमिस, लोअर क्वाडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। सो और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो स्पर्म होता है ये एपिडिडाइमिस में ही मैच्योर होता है, यानी कि अभी तक स्पर्म जो अपना रीटे टेस्टिस के पास था ये मैच्योर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि जब स्पर्म अपना चल के एपिडिडाइमिस के पास आएगा, यानी कि यहां से टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के पास अपना स्पर्म जब आएगा, तो ये एपिडिडाइमिस के अंदर ही स्पर्म प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, समझ गया कि नहीं। तो स्पर्म कहां पे मैच्योर होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो अभी तक आपने स्पर्म की जर्नी देखी कहां से कहां तक आया, यानी कि सबसे पहले टेस्टिस के अंदर बना, फिर रीटे टेस्टिस में गया, रीटे टेस्टिस से वैस एफरेंस की मदद लेके, हेल्प लेके एपिडिडाइमिस तक आया, और एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर हुआ। थोड़ा सा एपिडिडाइमिस के बारे में जानेंगे, तो ये 3 लेयर का होता है, अपर कैपुट, मिडल कॉर्पस, लोअर कॉडा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जो अपना एपिडिडाइमिस है इसका, ठीक है। सो अब तक हमने देखा कि जो अपना स्पर्म है ये अभी यही घूम रहा है, यानी कि टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक ही अपना स्पर्म अभी ट्रेवल किया है, और एपिडिडाइमिस में स्पर्म आके मैच्योर हो चुका है, ठीक है। सो मैच्योर चुका है, अब ये आपका डायग्राम यहां से अब हट जाएगा, अब हम ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आप समझ चुके हो कि ये बाहर की जो लेयर थी वेजिनालिस, एल्बुजिनिया, फिर उसके बाद यहां बने लोब्यूल्स, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर उसके अंदर हमने देखा था टीएस वाले पेपर उसमें कि ऐसा कुछ यहां पे बना था कि यहां सर्टोली सेल था, ऐसे पिरामिडल शेप में यहाँ स्पर्म क्रिएट हो रहा था, ठीक है। ये बहुत सारे सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से स्पर्म बन रहा था, फिर स्पर्म बन के आया रीटे टेस्टिस के पास, रीटे टेस्टिस से वैस इफरेंसिया, ये जो ट्यूब्यूल्स है, इन ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे होल जो दिख रहे हैं गैप, इन ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं वैस इफरेंसिया, ठीक है। सो यहां से देखो ये वैस इफरेंसिया है, ये सारे के सारे जो होल लेयर से वैस इफरेंसिया है, इन वैस इफरेंसिया से होते हुए अपना जो स्पर्म है ये एपिडिडाइमिस, यानी कि जो बाहर की लेयर है, ये एपिडिडाइमिस, ये जो बाहर की लेयर है इसके पास आ जाती है। यहाँ पे हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, फिर बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, फिर टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, जो टेल है इसको हम बोलते हैं क्वाडा, यानी कि लोअर लेयर, फिर जो मिडल है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस, ठीक है, और जो सबसे एबो वाली है आप यहाँ पे देख सकते हो उसको हम बोलते हैं कैपुट, ठीक है। ये चीज को आपको याद रखना है, यानी कि कैपुट, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलो अभी हम अच्छे से प्रॉपरली देखेंगे और आगे की स्पर्म की जर्नी। सो नाउ आफ्टर द मैच्योरेशन, जब अपना स्पर्म मैच्योर हो जाता है, सो अभी ये क्या करेगा, सिंपल सा आपको डायग्राम देख के रखना है। यहां से जब मैच्योर हो गया तो अब ये क्या करेगा, अपना यहाँ पे वैस इफरेंस के यहाँ से होते हुए वैस डिफरेंस के पास आएगा, यानी कि जो ये डक्ट है, यानी कि जो ये डक्ट है इस डक्ट के पास आ जाएगा वैस डिफरेंस के पास। यहाँ पे आप देख सकते हो वैस डिफरेंस के पास पूरा का पूरा स्पर्म ट्रेवल करके आ जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी बात, बट एक चीज और आपको समझना है कि वैस इफरेंस से अभी जाएगा कहां, तो वैस इफरेंस से डायरेक्टली ये जाएगा यूरेथ्रा में, कहां पे जाएगा, यूरेथ्रा में,
यानी कि यहाँ पे यूरेथ्रा के पास डायरेक्टली आता है वैस इफरेंस से। जैसे ही वैस इफरेंस में आया अपना स्पर्म एपिडिडाइमिस से, जैसे ही स्पर्म वैस डिफरेंस में आ गया, वैस डिफरेंस में आ गया, वैसे ही पूरा का पूरा स्पर्म यूरेथ्रा में आता है। बट उसके पहले, उसके बीच में क्या होता है, इसको यहाँ पे चल के सेमिनी जो सेमाइनल वेसिकल है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड है, इन सब से मिलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पाइप ही वैसी बनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे डक्ट ही वैसा है, इजैकुलेटरी डक्ट के पास आएगा, ठीक है। सो ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे अभी हम, ठीक है। सो अभी इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मतलब वैस डिफरेंस है और ये यहाँ तक आने का जो पूरा पाथ है ये क्या है, ठीक है। सो बिफोर अराइजिंग यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में पहुंचने से पहले जो स्पर्म है सेमिनल वेसिकल के पास जाता है, ठीक है। सो सेमिनल वेसिकल वेसिकल के पास जाके करेगा क्या एग्जैक्टली, मतलब जो स्पर्म है वो सेमिनल वेसिकल के पास जाएगा क्या, मतलब क्यों जा रहा है, उसका मेन एम क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो सेमिनल वेसिकल्स है और दूसरी बात जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सारे के सारे अपने सिक्रीशन देते हैं, मतलब सिक्रीशन मतलब जो ये हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। भाई ग्लैंड है ना ये जो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कॉपर्स ग्लैंड है, ये सारे के सारे ग्लैंड है और हर एक ग्लैंड का एक ही काम है कि वो कुछ ना कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। सिक्रेट करना मतलब होता है बाहर निकालना, रिलीज करना, ठीक है। तो और सिक्रीशन मतलब कि उसी का जो सिक्रीशन है, यानी कि जिसे वो रिलीज कर रहा है उसी को सिक्रीशन बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो सिक्रीट कर रहा है हॉर्मोन्स, वो हॉर्मोन्स मिक्स होएंगे अपने उस स्पर्म के साथ, यानी कि सीमेन के साथ जो भी रहेगा, ठीक है। सो इस चीज को अभी आप लोग को समझ के रखना है। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो सेमिनल वेसिकल है वो कहाँ रिलीज करेगा, तो वो इजैकुलेटरी डक्ट में रिलीज करेगा, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में रिलीज कर देगा पूरे के पूरे स्पर्म को, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि जो सेमिनल वेसिकल है वो अपने सिक्रीशन को इजैकुलेटरी डक्ट में रिलीज करता है और वहां पे उसी टाइम पे वहां पे स्पर्म होता है, तो वो उसका जो भी सिक्रीशन है वो स्पर्म पे मिक्स हो जाएगा, समझ गया कि नहीं। और फिर उसके बाद यूरेथ्रा में आता है, जो ये यूरेथ्रा है यहाँ पे आता है अपना पूरा का पूरा जितना भी अपना स्पर्म है, ठीक है, यहाँ पे बाद में पहुंचेगा, यानी कि ये सब कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल है, दोनों ये दोनों के दोनों रिलीज करेंगे स्पर्म में अपने सिक्रीशन को, उसके बाद आएगा यूरेथ्रा में, समझ गया कि नहीं अच्छे से। सो और डीप में हम समझेंगे कि भाई ये सेमिनल वेसिकल, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड है, ये सारा चीजें क्या रिलीज करते हैं, ऐसा मतलब क्यों जरूरत क्यों है रिलीज करने की, ये सारी चीजें हम समझेंगे। और फिर यहाँ पे फाइन, एकदम एक्यूरेट और फाइन प्योर स्पर्म यहाँ से रिलीज होता है पेनिस के थ्रू, ठीक है। सो इस चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है। सो जो यहाँ से स्पर्म निकलता है वो प्रॉपर प्योर होता है, ठीक है, इस चीज को आपको समझना। लेकिन उसके बीच में जो होता है वो सारा प्योर होने के लिए, परफेक्ट 100% प्योर होने के लिए, इसको यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन को अपने साथ कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अभी एक चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब ये यूरेथ्रा के पास आता है तो यूरेथ्रा की फंक्शनिंग एक चीज कॉमन होती है। कॉमन कैसे, यानी कि एक ही टाइम पे वो स्पर्म या फिर सीमेन को भी रिलीज करता है और यूरिन को भी, बोथ सेम टाइम पे रिलीज करता है। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज हमको समझना है। यानी कि जो यूरेथ्रा होता है वो कॉमन पैसेज होता है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि एक ही सेम टाइम पे आप यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होता है वो भी रिलीज होता है और सेम टाइम पे स्पर्म भी रिलीज होता है। सो ये कॉमन पाथ है, ठीक है, कॉमन पाइसेस होता है यूरेथ्रा फॉर जो स्पर्म है और यूरिन का भी, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसीलिए इस यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनो मींस यूरिन, जेनाइटल मींस जो जेनाइटल चीजों से निकलता है, यानी कि लाइक टेस्टिस वगैरह से जो रिलीज होता है उसको हम जेनाइटल वर्ड यूज करते हैं, यानी कि स्पर्म वगैरह, ठीक है। सो यूरिनोजेनाइटल डक्ट, डक्ट मींस एक पाइप जिसके थ्रू कोई चीज निकलती है, ठीक है। सो यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी यूरेथ्रा को बोला जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और यूरेथ्रा होता क्या है, तो यूरेथ्रा एक लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट पेनिस, ठीक है, पूरे पेनिस तक यहाँ से जो ये पूरी लेयर है वो एक लॉन्ग होती है, यानी कि एक पाइप टाइप का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाइप टाइप की होती है यहाँ पे लेयर, ये जो है ये पूरी की पूरी लेयर है, इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं और ये बाहर का जो पार्ट है इसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। सो पूरे के पूरे पेनिस में ये जो यूरेथ्रा होता है ये पूरा का पूरा कंबाइंड होता है और एक्सटेंडेड और लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसी के थ्रू अपना जो सीमेन या फिर जो यहाँ पे यूरिन है ये बोथ दोनों के दोनों रिलीज होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है और इसीलिए इसका नाम है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। सो नाउ अभी एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी हम लोग यहां पे समझेंगे।
कि जो ये मतलब जिस भी जगह से मतलब यहाँ से अभी रिलीज होगा, यहाँ से एक्सटर्नली यानी आउटसाइड अपना स्पर्म जो होता है रिलीज होता है, ठीक है। सो जब ये एक्सटर्नली आउटसाइड रिलीज होता है तो उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, उस ओपनिंग का नाम है यूरेथ्रल मीटस। क्या नाम है उसका? जो यूरेथ्रल मीटस या फिर यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक है, बोथ एकदम सेम नाम है। मीटस, यूरेथ्रल मीटस भी कोई कोई यूज करता है और यूरेथ्रल ओरिफाइस मोस्ट कॉमन है। ओरिफाइस का मतलब होता है नॉर्मल सा एक होल, ठीक है, ये बात आपको समझ लेना है। अब आप समझ चुके होंगे कि यूरेथ्रल ओरिफाइस मींस क्या, ये आप जब फीमेल वाला हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें ओरिफाइस का मतलब आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। और यूरेथ्रल ओरिफाइस, ओरिफाइस इस वर्ड का मीनिंग होता है जस्ट होल, और इसी में से ये जो स्पर्म होता है ये रिलीज होता है एक्सटर्नली बाहर की तरफ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये होता है फाइनल रिलीज, ठीक है। सो ये चीज को आपको समझ के रखना है। सो अभी यहाँ पे एक नोट कर लो, एक पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जितने भी एक्सेसरी डक्ट हैं, जितने भी अभी हमने एक्सेसरी डक्ट पढ़ा एक्सेप्ट यूरेथ्रा, वो सारे के सारे पेयर्स होते हैं, चाहे वो सेमिनल वेसिकल हो, चाहे वो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे वो कोई भी मतलब कॉपर्स ग्लैंड हो या टेस्टिस या फिर एपिडिडाइमिस हो, रीटे टेस्टिस हो, सबके सब पेयर थे। बस सिर्फ और सिर्फ यूरेथ्रा ही सिंगल यहाँ से एक लाइन है, सिंगल एक लेयर है, ठीक है, सिर्फ यही एक सिंगल एक पाइप है, डक्ट है, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द पेनिस स्प्रेडेड होता है और इसी यूरेथ्रा से अपना जो सीमेन और यूरिन दोनों बोथ एकदम सिमिलर टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है। इस चीज को आपको एकदम बेसिकली याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, ठीक है। चलो अभी हम लोग ने एक चीज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि देखो सबसे पहले क्या था, रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस से क्या हुआ, वैस इफरेंस के पास, वैस इफरेंस से एपिडिडाइमिस के पास गया अपना स्पर्म। एपिडिडाइमिस में क्या हुआ, मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद वैस डिफरेंस के पास जाएगा, वैस डिफरेंस के पास यानी कि ये पाइप के पास। फिर वैस डिफरेंस से अपना जो मतलब स्पर्म है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में यानी कि सेमिनल वेसिकल के पास। फिर सेमिनल वेसिकल से ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। फिर अपना जो स्पर्म है ये कॉपर्स ग्लैंड के पास आएगा, तो कॉपर्स ग्लैंड के पास। और फिर आएगा अपना फाइनली एट द एंड यूरेथ्रा में, ठीक है, और यूरेथ्रा से बाहर रिलीज हो जाएगा। और उस रिलीज होने वाले होल या फिर पाथ को, पैसेज को हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओरिफाइस। ओरिफाइस मींस होता है होल, ठीक है। यूरेथ्रल ओरिफाइस से पूरा का पूरा स्पर्म रिलीज हो जाएगा। सो यहां पे बना, यहां से एपिडिडाइमिस में गया, एपिडिडाइमिस से आया ये जो पूरा पाइप है जिसको हम वैस डिफरेंस बोलते हैं। फिर आया सेमिनल वेसिकल्स के पास, फिर यहां पे सेमिनल वेसिकल से आया प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, फिर आया कॉपर्स ग्लैंड से, और फिर यहां से फाइनली रिलीज हो गया, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना इस साइड से भी, मतलब दोनों साइड से सेम रिलीज होता है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था। चलो अब हम लोग ग्लैंड्स की बात करेंगे। भाई जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स कौन कौन से थे यहाँ पे, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये देखो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। फिर यानी कि जो यहाँ पे ये ऐसा दिया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बैक साइड में है प्रोस्टेट ग्लैंड, बैक वाला, ऊपर तो ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, लेकिन बैक साइड में जो है उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो ये बल्ब टाइप का है इसको हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, और फिर एट द एंड ये है अपना यहाँ पे यूरेथ्रा, ठीक है। सो ये चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो अभी हम इन सारे ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब जितने भी अपने पास ग्लैंड्स हैं इनकी प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सो ग्लैंड्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये वेसिकल्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जस्ट एक छोटा सा एक बलून जैसा है, ठीक है। दो होते हैं ये पेयर है, देख लो, एक यहाँ पे ब्लू कलर में, एक यहाँ पे ब्लू कलर में, और एक किससे कनेक्टेड है, इजैकुलेटरी डक्ट से। अभी देखो इजैकुलेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इजैकुलेशन मतलब होता है बाहर रिलीज करना, इजैकुलेशन मतलब होता है बाहर रिलीज करना या इजैकुलेट करना। तो अब जिस डक्ट की हेल्प से कोई भी चीज इजैकुलेट होगी यानी बाहर रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो सेमिनल जो वेसिकल्स होता है ये ऑफ ग्लैंड है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर देखो ऊपर है, ठीक है, और उसके पीछे साइड में ये आप समझ सकते हो, ये पाइप्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अच्छे से समझ सकते हो कि जो अपना मतलब ये जो पाइप गई है, ये वेस्ट डिफरेंस गया है, ये बैक साइड में, और उसके ऊपर है ये यूरिनरी ब्लैडर, ये उसके अप साइड में अपर है, समझ है कि नहीं। तो यानी कि जो अपना वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स भी क्या होंगे, बैक साइड में होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि ये सिक्रेट क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और एक
की यूनिक चीज है जो पूरे बॉडी में कहीं से रिलीज नहीं होता है, ठीक है। सो ये सिक्रेट करता है अल्कलाइन सेमाइनल फ्लूइड को, सेमाइनल फ्लूइड को ये रिलीज करता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अभी आपको समझ जाएगा जस्ट ये सेमाइनल फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि जो ये सेमाइनल फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड कंटेन करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को, जिसका नाम है फ्रक्टोज एंड फाइब्रिनोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। पहला फ्रक्टोज का नाम तो आप जानते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पूरे बॉडी में जितने भी ग्लैंड है सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज ग्लैंड ही, ऐसा ग्लैंड मतलब फ्रक्टोज यही सिर्फ ग्लैंड रिलीज करता है, यानी कि सेमाइनल फ्लूइड जो है, यानी कि सेमाइनल वेसिकल से जो रिलीज होता है, सिर्फ और सिर्फ सेमिनल वेसिकल ही फ्रक्टोज को रिलीज करता है पूरे बॉडी में, और कोई भी रिलीज नहीं करता है। और सिमिलरली फाइब्रिनोजेन और प्रोस्टाग्लैंडिन तो सब जगह रिलीज होते हैं, बट फ्रक्टोज कहीं और से रिलीज नहीं होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। और अब मैं यहां पे आपको दो में फर्क बता दूं, दोनों में, यानी कि जो स्पर्म है और आपको सीमेन, इन दोनों में मैं आपको फर्क बता दूं, क्योंकि यहां पे ध्यान देना, जो स्पर्म होता है ये कम से कम मिलियंस ऑफ होते हैं, यानी कि 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और ये सारे के सारे स्पर्म्स एक जो सीमेन होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में, इसमें एकदम ऑक्यूपाइड होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि सीमेन जस्ट एक लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे टेस्टिस में क्रिएट हो रहा था ये जस्ट एक लिक्विड मटेरियल है, और यहाँ से रिलीज हो रहा था, और इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कम से कम 400 मिलियंस ऑफ, यानी कि 400 लाख से ज्यादा इतने सारे स्पर्म्स इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। सो अभी ये यहाँ से स्पर्म रिलीज होके, सीमेन रिलीज होके इजैकुलेटरी डक्ट के पास आया, जैसे इसके पास आया सेमिनल वेसिकल ने अपने रिलीज को, अपने सिक्रीशन को मिक्स कर दिया इस पूरे स्पर्म में, तो क्या क्या मिक्स किया उसने, उसी का नाम है सेमाइनल फ्लूइड। और सेमाइनल फ्लूइड क्या होता है, फ्रक्टोज फाइब्रिनोजेन प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे फ्रक्टोज क्या करता है, ठीक है, तो यानी कि जो सीमेन होता है उसका 60%, यानी याद रखते हो, यानी कि समझ लो 100% आपके पास है, उस 100% का टोटल 60% रिलीज यहां से हो जाता है, यानी कि जो यहां से आप समझ सकते हो कि जो यहां से 100% रिलीज होगा उसका 60% किसने रिलीज किया है, उसका 60% ये पूरा का पूरा सेमाइनल वेसिकल्स ने रिलीज किया है। यानी कि अब तक देखो यहां पे ध्यान देना, यहां से अब तक जितना भी रिलीज हुआ था उसमें 60% चीजें ये सेमाइनल वेसिकल ने अपनी और रिलीज करके दे दी होती है, समझ गया कि नहीं। चलो नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं कि फ्रक्टोज क्या करता है। तो जो फ्रक्टोज होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को मूव करने के लिए, क्योंकि जब स्पर्म रिलीज हो जाता है तो ये पूरे के पूरे वजाइना में क्या करता है, मूव करता है, तो उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसके लिए ये फ्रक्टोज रिलीज करते हैं, यानी कि फ्रक्टोज की हेल्प इसीलिए होती है, फ्रक्टोज यही हेल्प करता है। और एक बात और बता दूं, कभी भी याद रखना, कहीं भी दुनिया में जो भी बॉडी से बाहर चीजें रिलीज होती है उसमें फ्रक्टोज कभी किसी भी जगह से रिलीज नहीं होता है, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो ब्लड हो, कहीं से भी ये फ्रक्टोज रिलीज नहीं होता है। फ्रक्टोज ना ब्लड में होता है, ना ही और कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में ही फ्रक्टोज मिलता है। सो जो सीबीआई ऑफिसर्स होते हैं ये चेक करते हैं, अगर कोई भी सपोज रेप केस हुआ है तो वहां पे ये चेक करते हैं, अगर सपोज फ्रक्टोज रिलीज्ड है तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ केस हुआ है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, क्योंकि फ्रक्टोज सिर्फ एक ही सिक्रीशन में है जिसका नाम है स्पर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ये पूरे के पूरे जो स्पर्म है उसे क्वागुलेट कर देता है। क्वागुलेट का मतलब होता है जमा देना, लाइक जैसे कि आपके सामने जो मतलब कर्ड होता है, दही होता है, वो जम जाता है, वैसे ये पूरे स्पर्म को या फिर सीमेन को जमा देता है, यानी कि वजाइना में, जिससे कि ये पूरा प्रोपल्शन ना कर सके। प्रोपल्शन मतलब एक जगह बैठ ना सके, ये मूव कर सके, ठीक है। सो ये अपने अंदर जब तक होता है तब तक ये जमे फॉर्म होता है, और फिर बाहर ये प्रोपल्शन हो जाता है, ठीक है, इसके लिए क्विक प्रोपल्शन करता है, यानी कि फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो ये फाइब्रिनोजेन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट्स करता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस को, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मींस मूवमेंट होता है, मूवमेंट, ठीक है, यानी कि एब्डोमेन, जो यहाँ पे वुमेन्स का एब्डोमेन है वहां का मूवमेंट, उस मूवमेंट को रिवर्स कर देता है। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस अगर होता है तो ये बाहर रिलीज हो जाएगा। सपोज एक बार यहां से स्पर्म रिलीज हुआ और ये वजाइना में एंटर कर गया, लेकिन वुमेन्स के रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से अगर सपोज स्पर्म बाहर वापिस से आ रहा है, बाहर निकल जा रहा है, सो कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन तब नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इसके लिए इस रिवर्स पेरिस्टाल्सिस को ये स्टिमुलेट कर
करता है जिससे कि पूरा का पूरा जो स्पर्म है ये इंटरनली जा सके। समझ गया कि नहीं? तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन इस नाम के हार्मोन की वजह से होता है जो कि सेमिनल वेसिकल ने रिलीज किया था। ठीक है, सो ये तीनों नाम याद रखना, जो सेमिनल वेसिकल होता है ये फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन इन चीजों को रिलीज करता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले ग्लैंड की बात करेंगे जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। ये जो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्योंकि हमने सेमिनल वेसिकल की बात कर ली है, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में प्रॉपरली अच्छे से डीप में। तो ये भी एक लार्ज और सिंगल ग्लैंड होता है जो कि 20 से 30 लोब्स का बना होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे अंदर बहुत सारे इसके लोब्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लोकेटेड होता है अंडरनीथ मतलब नीचे यूरिनरी ब्लैडर की, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ये पूरा का पूरा ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर, और इसके देखो ये यहां पे जो हर्ट शेप में दिख रहा है ये है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। जो हर्ट शेप में दिख रहा है ये अपना पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, यानी कि सेमिनल वेसिकल स्पर्म रिलीज हुआ था टेस्टिस से, आया वेस्ट डिफरेंस में, वेस्ट डिफरेंस से ट्रेवल करके गया इजेकुलेटरी डक्ट के पास, और यहां से सेमिनल वेसिकल ने अपने जो भी इसका सीक्रेशन था उसने रिलीज किया, उसके बाद स्पर्म ट्रेवल करके आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। ठीक है, सो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आने के बाद स्पर्म क्या करेगा? अब जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना रिलीज करेगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है मिल्की, याद रखना अच्छे से, मिल्की वाइट स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है वो चीज को रिलीज करता है। तो आपने अगर सपोज कहीं भी सीमेन वगैरह अगर आपने देखा होगा, ठीक है, सो वो मिल्की व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है, और स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये स्पर्म बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इसको बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज है, क्योंकि ये अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये खुद से अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे बॉडी की मतलब एक अरेंजमेंट होती है कि ये इसको पता है कि इन फ्यूचर में इसको कहाँ कहाँ से फाइट करना है। इसके लिए सारे सारे जितने भी इसके पास हार्मोन्स है वो सबको अपने पास कैरी करके रखता है। ठीक है, सो ये एसिडिक इन नेचर जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है इसको अपने पास कैरी करता है सीमेन। ठीक है, और ये मिल्की व्हाइट इन कलर होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट, अभी ये क्या होता है, ये 30% ऑफ टोटल सीमेन का कंटेन करता है, यानी कि जो 60% था वो अपना जो सेमिनल फ्लूइड था, सेमिनल फ्लूइड यानी कि जिसमें कौन कौन से आ रहे थे, फ्रक्टोज आ रहे थे, फाइब्रिनोजिन आ रहे थे और भी, ठीक है, तो वो क्या था, 60% कंटेन कर रहा था, और ये 30% टोटल सीमेन का 30% प्रोस्टेटिक ग्लैंड से यानी कि व्हाइट इन कलर जो होता है वो निकलता है, और 60% सेमिनल वेसिकल से निकलता है, और बाकी का जो 10% बचा वो अपना नॉर्मल टेस्टिस से रिलीज हुआ था जो कि स्पर्म था। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, बाकी के ये जो फ्लूइड है ये ग्लैंड से रिलीज हुए, सिर्फ वो 10% जो बचा वो 10% ही स्पर्म है। ठीक है, यानी कि इसी 10% स्पर्म को अच्छे से वेल जिंदा रखने के लिए, मूव करने के लिए ये सारे के सारे जो ये ग्लैंड से सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड ये जो रिलीज हुआ है सेमिनल ग्लैंड से और प्रोस्टेटिक ग्लैंड से, ये सब कुछ कंटेन करता है। ठीक है, चलो आगे अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, जैसे कि सेमिनल फ्लूइड, फ्रक्टोज है, फाइब्रिनोजेन है, इन सारे चीजों को, प्रोस्टाग्लैंडिन है, इन सारे चीजों को कंटेन किया था, वैसे ही जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है ये क्या क्या कंटेन करेगा। ठीक है, सो ये करेगा सिट्रिक एसिड को और फॉस्फेटेज को। ठीक है, फॉस्फेटेज आपने नाम सुना होगा, और सिट्रिक एसिड को। सिट्रिक एसिड नॉर्मली खट्टे चीजों में होता है जो बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, लाइक सपोज आपने लेमन देखा होगा, लेमन में वगैरह में इन सब में होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। सो ये जो फॉस्फेटेज है इसका यूज क्या है, क्यों ये रिलीज हुआ। ठीक है, सो अब मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से बता दूं, जैसे यहां से स्पर्म रिलीज होता है 100% जो अपना सीमेन रिलीज होता है ये एंटर करता है वजाइना में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वजाइना में एंटर करने के बाद तो वजाइना का जो नेचर होता है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक, और इतने ज्यादा एसिडिक नेचर में सोचो पूरा का पूरा स्पर्म जो होगा इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा, इंस्टेंटली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी, इसके लिए स्पर्म बहुत ज्यादा होशियार है, वो अपने साथ फॉस्फेटेज को कंटेन रखता है जो कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड ने रिलीज करके दिया था। फॉस्फेटेज क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जो भी एसिड है वजाइना का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, उसके पावर को ही खत्म कर देगा। ठीक है, सो अब आप समझ सकते हो कि ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द स्पर्म इनसाइड द वजाइनल एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि फॉस्फेटेज का काम क्या है, और इस फॉस्फेटेज को रिलीज किसने किया था, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने रिलीज किया था। ठीक है, और फ्रक्टोज को किसने रिलीज किया था, फ्रक्टोज को सेमिनल वेसिकल ने रिलीज किया था, जो कि इस स्पर्म को मूव करने के लिए, क्योंकि अंदर थोड़ी कोई इसे मूव कराएगा वजाइना के अंदर, तो इसको मूव करने के लिए ये
जो फ्रक्टोज है पावर प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से। तो अभी हमने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड के सारे फंक्शंस को समझ लिया अच्छे से। नाउ अभी हम लोग देखेंगे लास्ट वाला जो ग्लैंड बचा जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि अभी सेमाइनल वेसिकल से यहां से स्पर्म टेस्टिस से रिलीज हुआ, आया एपिडिडाइमिस के पास, एपिडिडाइमिस से ट्रेवल करके आया वेस्ट डिफरेंस के पास, वेस्ट डिफरेंस के बाद आया यहां पे इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में दोनों साइड से आ रहा है याद रखना, दोनों साइड से ऐसा होता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट में आया, यहां से सेमाइनल वेसिकल ने अपने जो भी इसका सिक्रीशन था उसे रिलीज किया जिसका नाम है फ्रक्टोज, फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इन तीन चीज को रिलीज किया, फिर उसके बाद स्पर्म सारी चीजों में मिक्स हो गया, फिर आया प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जैसे ही स्पर्म आता है तो यहाँ पे इसने प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड्स होते हैं ये सब के सब रिलीज होते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है यहाँ पे अपने जो मिल्की व्हाइट इन स्ट्रक्चर्स इन सारी चीजें फ्लूइड्स को रिलीज करता है। अब आगे आएगा कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड में क्या होता है ये हमको समझ के लेना है, ठीक है। सो नाउ अभी कॉपर्स ग्लैंड में, ये कॉपर्स ग्लैंड के बारे में पहले समझते हैं। जो कॉपर्स ग्लैंड होता है ये स्मॉल होता है, पी साइज्ड होता है और पेयर्ड ग्लैंड होता है। देख लो आप यहाँ पे स्मॉल है पी, यानी कि आपने देखा होगा जो पी बटाना होता है उसके जैसा, और यहाँ पे देखो कैसा ये स्मॉल इन साइज होता है और सिचुएटेड आइदर इन साइड ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि दोनों साइड, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के दोनों साइड ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब ये रिलीज क्या करता है, तो ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन विस्कस म्यूकस विच एक्ट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। अब आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जब भी कॉप्यूलेशन होता है, जब भी कॉप्यूलेशन होता है इस चीज को आप ध्यान रखना अच्छे से, यानी कि जब भी कॉप्यूलेशन होता है तब ल्यूब्रिकेंट यानी कि ल्यूब्रिकेशन मतलब आपने जो सीमेन होता है उसे आपने यानी कि जो स्पर्म है उसे आपने अच्छे से देखा होगा, उसमें क्या होता है जस्ट एक जो मतलब एक टाइप की मतलब एक फैसिनेटिंग जो मतलब उसका मतलब कलर होता है यानी कि जो चमक होती है आप बोल सकते हो, तो वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है यानी कि जिससे कि मूव कर सके, यानी कि फिसलन यानी सॉफ्टनेस जो होती है वो ये कॉपर्स ग्लैंड उसको प्रोवाइड करता है। अगर ये ऐसा रिलीज ना हो तो जो पूरा का पूरा स्पर्म है ये आगे ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एक स्पर्म होता है इसकी टोटल लाइफ सिर्फ 12 आवर की होती है और 12 आवर में इसे एग को फर्टिलाइज करना होता है अंदर जाके, ठीक है। सो इसके लिए ये पूरी जर्नी को मूव करता है और 12 आवर्स में वहां तक इसे पहुंचना भी होता है, ठीक है। वो आपको लग रहा है डिस्टेंस बहुत कम है बट इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस है क्योंकि स्पर्म माइक्रो यानी छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे ये ल्यूब्रिकेशन यानी कि ल्यूब्रिकेटिंग जो होती है, ल्यूब्रिकेंट्स जो होते हैं ये म्यूकस यानी कि आप समझ सकते हो एक मतलब जो म्यूकस होता है एक जस्ट छोटा सा एक पार्ट यानी कि जो मतलब सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है आप समझ सकते हो। और विस्कस यानी कि जो मूवेबल यानी कि चिकना सा ऐसा कुछ, और अल्कलाइन इन नेचर ये सारी चीजों को ल्यूब्रिकेंट करने के लिए ये प्रोवाइड करता है सीमेन के अंदर, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स था जो कॉपर्स ग्लैंड प्रोवाइड करता है। तो जितने भी ये सिक्रीशन है सारे ग्लैंड के, तीनों ग्लैंड के जो भी सिक्रीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों का अपना अलग ही एक लेवल है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। तो सबसे पहले टेस्टिस में अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से, तो अब ध्यान देना अच्छे से, हाँ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी हम समझने वाले। सो क्या है ना यहाँ पे देखो, जैसे ही सबसे पहले टेस्टिस रिलीज हुआ, टेस्टिस में से अपना स्पर्म निकला बाहर, ये आया एपिडिडाइमिस के पास, एपिडिडाइमिस से ट्रेवल करके अपना पहुंचा वेस्ट डिफरेंस के पास, ये है वेस्ट डिफरेंस पाइप। इसके बाद आया सेमिनल वेसिकल के पास, सेमिनल वेसिकल ने तीन चीजों को रिलीज किया, स्पर्म ने अपने साथ उसको मिक्स कर लिया, फिर आया प्रोस्टेटिक ग्लैंड के पास, प्रोस्टेटिक ग्लैंड ने व्हाइट मिल्की फ्लूड को रिलीज किया और ये प्रोस्टेटिक एसिडिक इन नेचर होता है उसे रिलीज किया जिसका नाम है फॉस्फेटेज, तो उसको भी स्पर्म ने अपने साथ मिक्स कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड के पास आया, कॉपर्स ग्लैंड के पास आने के बाद कॉपर्स ग्लैंड ने ल्यूब्रिकेटिंग अल्कलाइन विस्कस म्यूकस ल्यूब्रिकेंट को रिलीज किया ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ऐसा होता है आप समझ सकते हो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। सो कॉपुलेशन के टाइम पे यहाँ पे सीमेन के आपके अंदर ये रिलीज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्यों सब कुछ हुआ, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन फाइब्रिनोजेन क्या करते हैं मैंने अभी बताया, क्योंकि इसीलिए उनका मेन एनर्जी प्रोवाइड करता है ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रिनोजेन है, ये कोगुलेट और एग को फर्टिलाइज करने मूव करने की पावर देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ये प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से फॉस्फेटेज रिलीज हुआ था वो प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, किसको प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है तो स्पर्म को प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि स्पर्म जिंदा रह सके वजाइना के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये रिलीज करता है ल्यूब्रिकेटिंग जो बॉडी होती है या फिर फ्लूइड्स होते हैं जिससे कि जो अपना जो स्पर्म है वो प्रॉपरली अच्छे से मूव कर सके और वो फिसलन यानी कि उसके अंदर सॉफ्टनेस आ सके, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो कॉपर्स ग्लैंड ये अपना ल्यूब्रिकेंट स्ट्रक्चर्स जो बॉडी है उसकी या फिर कोई भी फ्लूइड है उसे रिलीज करता है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है।
अब यहाँ पे जो सारे के सारे जैसे कि यहाँ से रिलीज हुआ था जो भी स्पर्म, फिर सीमेनल वेसिकल्स के सिक्रेशन को अपने साथ मिक्स किया, प्रोस्टेट ग्लैंड का मिक्स किया, फिर यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड का मिक्स कर लिया, अब यहाँ से जो भी स्पर्म रिलीज होगा ठीक है उसको हम एक लिक्विड फॉर्म में सीमेन बोलेंगे, और इसके अंदर 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होती है ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि अब यहाँ पे 100% प्योर सीमेन रिलीज हुआ है यहाँ से पेनिस से ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है अच्छे से ठीक है। सो अब ये इसका क्या होगा, ये कैसे जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है। एग्जैक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है ठीक है, तो चलो इसके बारे में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है एग्जैक्टली सारी चीजें जो भी है, तो ये कैसा होता है, यहाँ पे विस्कस अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड है जिसका पीएच वैल्यू 7.2 से 7.7 होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है। ये इजैकुलेटेड बाय मेल, पहली बात सबको पता है मेल ही करेगा, पूरी राम कहानी हो चुकी है तो सबको पता ही है ना मेल से रिलीज होगा। दूसरी बात नॉर्मली 2.5 से 4 ml ये इसका इतनी वैली होती है, वाटर की सबसे छोटी यूनिट है ml जिसमें हम लोग मेजर करते हैं बूंदे ठीक है। सो नॉर्मली 2.5 से 4 ml ऑफ सीमेन रिलीज होता है सिंगल कॉपुलेशन में ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर अराउंड 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तीसरी बात इसके अंदर जितना भी ये कंटेन करता है सारे के सारे सिक्रीशन को, जो सिक्रीशन कहां कहां से लाइक नरिश करते हैं, जो न्यूट्रलाइज करते हैं और जो एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को, यानी कि ये तीनों की तीनों जो यहाँ पे नाम लिया है नरिशिंग यानी एनर्जी प्रोवाइड करना, फ्रक्टोज न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, फॉस्फेटेज जो कि अपना प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हुआ था, एक्टिवेशन ऑफ मूवमेंट यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है कहाँ से रिलीज हुआ था, सेमिनल वेसिकल से रिलीज हुआ था, तो ये सारी चीजों को कंटेन करता है ठीक है। कौन कंटेन करता है, ये पूरा का पूरा सीमेन, और सीमेन कुछ ऐसे होता है रियालिटी में ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत लोग को पता भी होगा ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में ठीक है। तो सीमेन का जो वहां पे जितना भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है ठीक है, इस सारे के सारे पॉइंट को 3-4 ही पॉइंट है, याद कर लो 3 मार्क्स को एग्जाम में पूछता है ठीक है। अब वो डायग्राम मत बनाने लगना यहाँ पे, ये डायग्राम क्रिएट मत करने लगना वहां पे ठीक है, नहीं तो बहुत लोग कुछ अलग ही ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटालिया अभी इसको पढ़ती मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ठीक है। अब मेन थिंग्स क्या रिलीज होता है वो पढ़ लिया, अब कहां से रिलीज होता है उसकी बारी है, उस स्किन की बारी है, उस जो अभी मैं यहाँ पे एकदम प्योर में बोलूं तो यहाँ पे जो ये चमड़ी है यानी कि जो स्किन है इसकी अभी हम लोग स्टडी करेंगे ठीक है। सो इस चीज को अभी यहाँ पे ध्यान देना है अच्छे से, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाना है ठीक है। सो नाउ एक्सटर्नल जेनिटालिया, एक्सटर्नली जो बाहर है ठीक है उसको समझना है अच्छे से। तो एक्सटर्नल जेनिटालिया इंक्लूड्स पेनिस एंड स्क्रॉटम, दो ही चीजें होती है ठीक है। सो आप नॉर्मली पेनिस को समझ सकते हो और जो स्क्रॉटम होता है वो स्क्रॉटम है ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान स्क्रॉटम आप समझ सकते हो अभी क्या है, जिसके अंदर होता है टेस्टिस ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस होता है यानी कि कुछ ये स्ट्रक्चर ठीक है, अब आप जान सकते हो मैं आगे दिखाऊंगा ठीक है। सो ये होता है टेस्टिस। नाउ अभी यहां पे पेनिस और स्क्रॉटम ये दो चीजें ही होती हैं ठीक है। सो पेनिस के बारे में सबसे पहले समझते हैं, तो क्या होता है ये पेनिस इज नथिंग बट मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसके थ्रू मेल कॉपुलेशन करता है उसका नाम है कॉपुलेटरी ऑर्गन। दूसरी बात सिलिंड्रिकल एंड मस्कुलर विद 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इनसे बना होता है ये पेनिस ठीक है, यानी कि सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, मस्कुलर होता है यानी मसल से बनता है, और ये जो मसल्स होती है ये टिश्यू से बनती है। कौन सी टिश्यू बेसिकली, तो जो टिश्यू होता है वो इरेक्टाइल इन नेचर, इरेक्टाइल का मतलब आप समझ सकते हो ठीक है, जो इरेक्ट हो सकती है, इंस्टेंटली इरेक्ट हो सकती है, सेंसिटिव होती है, जैसे आप कुछ वैसा सेंसेशन मिलेगा वैसे ये सारी की सारी जो मतलब मसल्स होगी ये सारी की सारी इरेक्टाइल हो जाएंगी, समझ गया कि नहीं। तो इरेक्टाइल इन नेचर ये टिश्यू इनका होता है ठीक है, और ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होती है इनका नाम क्या है, तो दो तो जिनका दो पेयर ऑफ जो मतलब टिश्यू होती है उसको पीछे बैक साइड में होती है, यानी कि आप समझ सकते हो बैक साइड, इसके बैक साइड में पीछे साइड समझ लो ये पूरा का पूरा पार्ट है ठीक है, और इसका ये फ्रंट पार्ट है तो इसके बैक साइड वाला पार्ट ठीक है। तो बैक साइड वाले पार्ट में पोस्टेरियो लैटरल जिसको बोलते हैं उसका नाम है कॉर्पोरा कवरनोसा ठीक है, कॉर्पोरा कवरनोसा उसका नाम है, जो कि पेयर दो लेयर होती है, दो लेयर बैक साइड में होती है कॉर्पोरा कवरनोसा ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। फिर मिडल में बीच में जो लेयर होती है उसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इसका नाम है, दोनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है ठीक है। तो एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉर्पोरा कवरनोसा है ये होती है पोस्टीरियर बैक साइड की, और जो मिडल में होती है इसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ठीक है, और फ्रंट में
जो स्किन होती है वो नॉर्मल एक स्किन है जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं, उसको समझेंगे अभी, ठीक है। सो पोस्टेरियो मतलब पीछे, लैटरल मतलब बगल में, यानी कि पीछे और बगल में जो लेयर होती है उसका नाम है कॉर्पोरा कवर्नोसा, जो मिडल में होती है एकदम सेंटर में, जो यूरेथ्रा के पास होता है, यानी कि वो जो ओरिफाइस के पास था, होल के पास, तो उसका नाम है कॉर्पोरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। पूरी की पूरी यहाँ पे जो ये है, ये पूरा का पूरा अंदर ये किससे बनता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से। ये जो बाहर का लेयर है ये किससे बनता है, ये बाहर का लेयर ये बनता है कॉर्पस कवर्नोसा से, ठीक है। चलो अब आप समझ चुके होंगे, आपने इमेजिन कर लिया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि जो मेन स्वेलन टिप होता है, यानी कि जो स्वेलन मींस जो एकदम बड़ा सा, ठीक है, ऐसा कुछ स्वेलन टिप, ठीक है, जो स्वेलन टिप है ये क्या होता है ऑफ पेनिस, इज कॉल्ड एज ग्लैंड पेनिस, ठीक है। ये यानी कि मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ग्लैंड पेनिस, ठीक है। सो इसका नाम है ग्लैंड पेनिस। और दूसरी बात, ये कवर्ड होता है लूज एक्सटर्नल स्किन से, ठीक है, जिसका नाम है फोर स्किन, जो कि जिसे आप मूव कर सकते हो, मूव यानी कि अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, फोर स्किन उसका नाम है, यानी कि ये फोर स्किन है, इससे आप कवर कर सकते हो इसको। और प्रीप्यूस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना, अब शायद आपको याद भी हो गया होगा, साइंटिफिक वर्ड सारे नेम है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक्सटर्नल वाले पार्ट्स को, जिसको हम यहाँ पे जो ये स्वेलन चीज होती है, इसको हम जो यहाँ पे स्वेलन यानी फूला हुआ चीज होता है, इसे हम ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे बाकी का सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसे हम नॉर्मली पेनिस बोलते हैं, ये एक्सटर्नल वाले को ग्लैंड पेनिस, और जिस चीज से ये कवर्ड होता है, कवर्ड, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है, या फिर प्रीप्यूस, एक ही बात है। तो ये एमसीक्यू में बनता है हमेशा नीट वगैरह के एग्जाम में, कि व्हाट इज प्रीप्यूस और फोर स्किन, ठीक है, या फिर ग्लैंड पेनिस, और या फिर कॉर्पोरा कवर्नोसा, या फिर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये किसके पार्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये थ्री बंडल्ड पार्ट होते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के, दैट इज पेनिस के, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना, ये हमेशा एमसीक्यू में पूछता है, हमेशा पूछा है, मतलब हमेशा बोर्ड में भी पूछा है, ठीक है। सो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे स्क्रॉटम के बारे में, स्क्रॉटम एग्जैक्टली क्या होता है। तो अब आप इस डायग्राम से, मुझे एग्जैक्टली रियल डायग्राम नहीं मिली, ठीक है, रियल डायग्राम बिल्कुल भी मुझे नहीं मिली है। सो आप रियल डायग्राम के बजाय इसको आप यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए, और यहाँ पे रिलेट कर सकती हो, यू कैन रिलेट इट, ओके। सो रिलेट कर लीजिए अभी रियल स्क्रॉटम से। चलो नाउ अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्क्रॉटम के बारे में, कि ये लूज पाउच होता है, ठीक है, लाइंग बिहाइंड द पेनिस, अब आप समझ सकते हो, ठीक है। So now suppose ये this is the penis, then this is the scrotum, ठीक है, ये scrotum है, ठीक है, और scrotum डबल लेयर्ड ऐसा होता है यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ समथिंग, और यहाँ पे होगा अपना टेस्टिस, और फिर यहाँ से कनेक्टिविटी होती है, और फिर यहाँ सारा का सारा रिलीज, और फिर ये सामने से रिलीज, समझ गया, ये सामने से अपना पेनिस, ठीक है। सो ऐसा आप कुछ समझ सकते हो। नाउ अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डीप में समझते हैं, कि जो स्क्रॉटम होता है लोज इन पाउच लाइंग बिहाइंड द पेनिस डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉटल सैक। स्क्रॉटल सैक क्या होता है, सैक मींस होता है एम्प्टी स्पेस, स्क्रॉटल मींस इज स्क्रॉटम का सैक, यानी कि उसका खाली जगह है, वहां पे जो लेयर होती है वो किससे डिवाइड होता है। सपोज मैं यहाँ पे अगर ऐसा क्रिएट कर दिया, ये है अपना सपोज स्क्रॉटम, ठीक है, यहाँ पे होते हैं ये दो टेस्टिस, तो ये बीच में ऐसा डिवाइडेड है, ये जिस भी लेयर से डिवाइडेड है, ये जो लेयर होती है बीच में, ये जिस भी लेयर से डिवाइडेड है उसका नाम है ट्यूनिका, ट्यूनिका, इसका नाम है ट्यूनिका डार्टोस, क्या नाम है जिसका, उसका नाम ट्यूनिका डार्टोस, ठीक है। और ये बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है, कैसी लेयर होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है, ईच एंड एवरी मेल कैन फील इट, ठीक है। सो ट्यूनिका डार्टोस होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। अब ये करता क्या है, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, जिसका नाम है गुबेरलेनिन, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, जिसका नाम है गुबेरनाकुलम, यहाँ पे याद रखना गुबेरनाकुलम, ये होता क्या है, जिबेरनाकुलम भी कोई कोई इसे बोलता है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो मैं इसे दिखा देता हूँ, अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप स्क्रॉटम को देख सकते हो, ये है स्क्रॉटम, ठीक है, ये है पूरा स्क्रॉटम बाहर वाला, और ये ऊपर का पार्ट, ये जो टेस्टिस है, और ये नीचे वाला स्क्रॉटम, तो बीच में जो कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है उसका नाम है गुबेरनाकुलम, यहाँ पे नाम दिया नहीं है, ठीक है, गुबेरनाकुलम, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, गुबेरनाकुलम बोलती है, या फिर जिबेरनाकुलम, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो बीच में कनेक्टिविटी कर रहा है ना टेस्टिस और स्क्रॉटम की, उसको हम बोलते हैं गुबेरनाकुलम, ठीक है, या फिर जिबेरनाकुलम, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज दिस, ओके। सो आप समझ सकते हो अभी, जो इनसाइड से स्क्रॉटम को कनेक्ट करता है या गाइड करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं गुबेरनाकुलम, ठीक है। नेक्स्ट है अभी, जो ये पूरे के पूरे टेस्टिस होते हैं ना, ये जो भी मतलब इसके अंदर यहाँ पे टेस्टिस है, ठीक है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से, स्पर्मेटिक कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि आप लोग फील कर सकते हो, यानी कि यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड कनेक्टेड होता है,
जो कि ये कॉर्ड बाद में बनता है वैस डिफरेंस, ठीक है, यानी कि वो डक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड अब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अगर समझ लो कोई कोई, मतलब हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में बनता है, कहाँ बनता है, एब्डोमेन में, और एब्डोमेन से बन के और डिसेंट यानी चल के ये आता है स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटल सैक में, समझ सकते हो, स्क्रोटल सैक मतलब ये जो यहाँ पे खाली जगह है, किसके थ्रू आता है, एक होती है कैनाल जिसका नाम है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, इस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आता है, हमने पढ़ा था। तो अगर सपोज किसी मेल में ऐसा नहीं हुआ, यानी कि टेस्टिस चल के यहाँ पे सैक में आया ही नहीं, तो ऐसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है, याद रखना अच्छे से, क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रिप्टोर्चिडिज्म बोलते हैं। और अगर जिसको ऐसा हो गया तो उसके स्क्रोटम में टेस्टिस ही नहीं होगा, समझ गया कि नहीं, उसके स्क्रोटम में टेस्टिस ही बिल्कुल नहीं होगा, और जब टेस्टिस नहीं होगा तो फिर कभी स्पर्म रिलीज नहीं होगा, और जब कभी स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो वो मेल स्टराइल बन जाएगा, यानी कि ही कांट प्रोड्यूस, ठीक है। सो आप अच्छे से याद रखना, लीड्स टू स्टेरिलिटी, ठीक है। सो आपको अभी समझ गया होगा, ऐसी बीमारी को क्रिप्टोर्चिडिज्म बोलते हैं, जब एब्डोमेन से अपना जो मतलब जो टेस्टिस है वो ट्रेवल करके स्क्रोटल सैक में नहीं आता है थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, क्योंकि इसे इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आ जाना चाहिए था। सो अगर नहीं आया किसी रीजन के वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम के वजह से, तो ऐसी बीमारी को क्रिप्टोर्चिडिज्म बोलते हैं, और ये लीड करता है स्टेरिलिटी को किसी भी मेल में, क्योंकि फिर अगर समझ लो अगर कोई यहाँ पे टेस्टिस ही नहीं आया स्क्रोटल सैक में, तो फिर कोई भी मतलब स्पर्म क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो टेस्टिस होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसके पास खुद की पावर होती है कि ये मेंटेन कर सकता है टेम्परेचर को, ठीक है। सपोज बॉडी की जितनी टेम्परेचर, सपोज मैंने बोला 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी की टेम्परेचर है, तो ये टेस्टिस की टेम्परेचर 38 से 37 डिग्री होगी, क्यों, क्योंकि ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस रखता है, लोअर टेम्परेचर रखता है देन दी बॉडी टेम्परेचर, जितनी बॉडी की टेम्परेचर होगी उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि टेस्टिस को अगर स्पर्म बनाना है तो इतने टेम्परेचर पे ही वो क्रिएट कर सकता है। जेनेसिस मतलब होता है क्रिएट करना, स्पर्मेटो मींस स्पर्म्स का क्रिएशन, ठीक है। अगर स्पर्म्स बनाना है तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर में होता है, यानी जब कोल्ड कंडीशन आती है तो स्पर्म ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है, और जब नॉर्मली हॉट कंडीशन होती है सीजन्स, तो वहां पे स्पर्म बहुत लेस क्रिएट होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी इस स्क्रोटल सैक को, स्क्रोटम को बहुत कम टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। तो ये सारा था स्क्रोटम के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में जल्दी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और इतने लोग वॉच करते हो तो यार प्लीज एक लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मतलब हार्डवर्क लगती है जो पूरी की पूरी वीडियो क्रिएट करने में। सो लाइक तो बनता है, मतलब बिना लाइक के जाना नहीं बिल्कुल भी। कमेंट सेक्शन में अपने आप डाउट नहीं बोलते हो तो डाउट जरूर बोलो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। सो आपको याद रखना अच्छे से, आप लोग यहाँ से नोट्स मुझसे ले सकते हो, इस आईडी में आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और या फिर मेल कर सकते हो, मोस्टली आप मुझसे यहाँ पे ही मिलो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।